अगर आप एक क्यूरियस इंसान हो जिसको नॉलेज गेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में तो आप एक सही जगह पे हो मेरे दोस्त प्लीज एंजॉय इन द बुक मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ थर्टी थ्री दैट इन देंजाइटी टू प्रिजर्व ट्राइबल कल्चर कनेक्टिविटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन बिकेम मेजर कैजुअलिटीज सो लाइक कैन यू सर गो डी लिटिल बिट डीपर ऑन दिस ऑन दिस सेंटेंस क्यों है ये क्यों हुआ देखिये मतलब आ, जो ये आ, पंडित नेहरू के टाइम की जो अप्रोच थी एक आ, आ, ट्राइबल डेवलपमेंट की सो ही वाज गाइडेड बाय दिस ब्रिटिश एडवाइजर कॉल वेरियर एलविन उनका हाँ. ये मानना था कि ट्राइबल कल्चर आ, अपने आप में आ, अपने आप में मुख्तलिफ है बाकी हिंदुस्तान से तो हमें वी शुड नॉट इम्पोज आवर सेंस ऑफ सिविलाइजेशन ऑन टू दीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड देयर अलाउ देम टू डेवेलप अकॉर्डिंग टू देयर ओन जीनियस एंड द वाज़ वॉज इन ऑर्डर टू प्रिजर्व देर कल्चर सो द इंटेंशन वॉज गुड के उनका कल्चर जिस तरह से है वैसा रहे लेकिन uh, उसके चलते वहां पर विकास नहीं हो पाया क्योंकि आपने ना तो सड़कें बनाई

the nearest hospital being two days away, if I had chosen to take up farming, reaching the nearest market would have meant carrying a headlot for days. Even if God has generously bestowed with genius of Einstein, I still would not have made it beyond primary school. So like it just struck the chord with me. Ki, like the... I mean, Maharashtra, Gujarat, hum, it, it state mein, like, if, if we are going like... हम बॉन और बॉटअप हो रहे तो आई लिटरली ग्रेटफुल कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो शायद से इंडिया में ऐसे कई ज्यादा स्टेट से जैसे आपने किया हुआ है that is, that is so, like, क्या ये फिर ये चेंज हो रहा है फिर वहां पे लाइक वट द कनेक्टिविटी इश्यू लाइक आपने बहुत ही फार साइड ऑफ नॉर्थ ईस्ट वाले में इसमें बात की थी सो वॉट आर सम

तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि 2015 में मैं अरुणाचल में था और अरुणाचल में आपको एक हिस्सा है जो ईस्टर्न पार्ट है जो बर्मा के साथ म्यांमार के साथ लगता है अगर आपको वहाँ जाना हो तो ब्रह्मपुत्रा को क्रॉस करना पड़ता है तो ब्रह्मपुत्रा क्रॉस करने के लिए उस वक्त वहाँ पे एक फेरी थी तो फेरी मतलब ब्रह्मपुत्रा बहुत बड़ी रिवर है मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन ओशन तो आपको एक छोर से दूसरे छोर पे जाने के लिए वो फेरी में चढ़ना पड़ता था तो गाड़ी के समेत तो गाड़ी भी गाय भी घोड़ा भी और आदमी भी वो फेरी जो है फट्टों की तरह होती थी और तकरीबन सवा घंटा लगता था एक छोर से दूसरे छोर जाने में और अगर कहीं मान लीजिए बीच में आ, पानी का लेवल कम है तो फेरी फंस भी जाती थी तो आप पहुंचेंगे कैसे उस छोर लेकिन अब वहां पे माननीय प्रधानमंत्री ने एक जो बोगी बिल ब्रिज उसको बोलते हैं उसका उद्घाटन किया तो उससे आप दस मिनट में पहुंच जाते हैं इसी प्रकार से तो वहां पे रिवर्स का बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है जो सारी ट्रिब्यूटरीज ब्रह्मपुत्रा की हैं उसके हर रिवर के ऊपर अब ब्रिज बन गए हैं और इंटरनली भी जो सड़कों का नेटवर्क है जैसे अरुणाचल में ट्रांस अरुणाचल हाईवे है जो भूटान बॉर्डर से लेके म्यांमार बॉर्डर तक पूरी स्टेट में क्या क्रॉस जाता है और बिल्कुल वर्ल्ड क्लास उसकी कंस्ट्रक्शन है तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं उससे उन इलाकों में बसे हुए लोगों को एक तो बाकी हिंदुस्तान से जुड़ने में आसानी हुई है और दूसरा के जैसा आप कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाएं चाहे शिक्षा है स्वास्थ्य है या बाकी चीजें हैं उसके लिए अगर उनको कहीं जाना है तो उनका नॉर्मल जो जीवन बसर है उसमें भी बहुत सुविधा आ गई है तो एक बदलाव जो वहां पे आ रहा है वो जो वहां लोग रहते हैं वही बता सकते हैं कि किस कदर वहां पे बदलाव आया है और आप क्योंकि आप एक विकसित राज्य से हैं तो उस चीज का शायद इमेजिनेशन भी आपके उस माइंड में नहीं आ पा रहा कि किन इलाकों की बात हो रही है ये एकदम बिल्कुल रिमोट बॉर्डर लैंड है yeah. तो जिस इलाके की आपने अभी बात करी जिस लाइन को आपने पढ़ा उस इलाके से आप समझिए कि 100 किलोमीटर एक तरफ बांग्लादेश बॉर्डर है और 100 किलोमीटर दूसरी तरफ बर्मा बॉर्डर है तो एकदम बॉर्डर के बीच में सटे हुए हैं आप और हाँ। कहीं भी जाने के लिए आपको ना सड़क है ना कोई जरिया है ना कोई बस आती है तो किस प्रकार से जाएंगे तो ये बीस साल पुरानी बात है लेकिन वहां मैंने जैसे कहा कि अब किताब में ही लिखा है कि वहां बहुत बदलाव आ गया है राइट राइट इफ यू एंजॉय दिस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट्स फ्री